अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक हेयर ऑयल, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, जो कि हील करता है हमारे डैमेज बालों को, और इसके अलावा इसको चमकदार बनाता है, मॉइस्चराइज करता है और प्रिवेंट करता है ब्रेकेज से। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिटर आलमंड ऑयल, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हेयर कंडीशनर है, लाइट वेट है, जिसकी वजह से स्किन में बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा ये आपको एक्सपोजर करता है सन से, इन्वायरमेंटल जितनी भी डस्ट वगैरह होती है इन सब चीज़ों से भी बचाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे आमला ऑयल, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, कूल द स्कैल्प होता है, ट्रीट करता है हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को, और इसके अलावा प्रोवाइड करता है आपको एंटीऑक्सीडेंट और इंक्रीज करता है कॉलेजन को। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस का ऑयल, जो कि स्किन के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है ओवरऑल आपके हेयर्स को, और ये एक्जिमा और इचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे एलोवेरा ऑयल, जो प्रिवेंट करता है फ्रिज से, बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को, और अंदर हम इसके शामिल करेंगे कोरिएंडर सीड ऑयल, जो कि स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को और लेंथ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे रोजमेरी, जो कि आपके प्रोटेक्ट करता है हेयर लॉस को और इंक्रीज करता है सर्कुलेशन को ब्लड की। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि नेचुरल कंडीशनर है, हेल्दी और शाइनी बनाता है आपके बालों को, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे जितने भी ऑयल्स थे वो सारे के सारे मुझे मार्केट से इजीली मिल गए थे, सारे के सारे ऑयल में इनको कंबाइन करने लगी हूँ। आपको मैं इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि मैं किस क्वांटिटी के अंदर इसको कंबाइन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, और सबकी क्वांटिटी हम लोगों ने सेम ली है, जितने भी ऑयल्स हैं हमारी सेम क्वांटिटी में है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले यूज़ किया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बाद हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं बिटर आलमंड ऑयल। बिटर आलमंड ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर भी है। लाइट वेट होता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बालों के अंदर, और आपके बालों को सन से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे आमला ऑयल। आमला ऑयल तो आप सबको पता है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है ये कूल द स्कैल्प होता है, आपकी स्कैल्प के लिए बहुत ठंडा तेल होता है। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्म तेल हम नहीं लगा सकते, तो गर्मियों के लिए स्पेशल ऑयल हम बना रहे हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इंक्रीज करता है कॉलेजन को, और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं खसखस का ऑयल। खसखस आप लोग जैसे जानते हैं कि खसखस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं अगर हम इसे वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा हो है, और इसके अलावा आपके बालों के लिए भी। ये आपके स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है, और इसके अलावा ये आपके जो एक्जिमा और इचिंग की प्रॉब्लम है इसको भी ओवरऑल ट्रीट करता है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एलोवेरा ऑयल, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिज को, बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को, और ट्रीट करता है डैंड्रफ को और इची स्कैल्प को। इसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे कोरिएंडर ऑयल। कोरिएंडर ऑयल फिर से एक ठंडा तेल है, जो कि आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आज गर्मियों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सूट करता तो है। गर्मियों कोरिएंडर में सीड आपके ऑयल जो बालों है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदे दे रहा होता है। एक तो ये ठंडा तासीर में ठंडा होने की वजह से आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही है, इसके अलावा जो है आपकी स्कैल्प के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर लिए हैं, और अब ये मेरे पास है रोजमेरी। अब मैंने इसमें रोजमेरी ऑयल नहीं शामिल किया, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून रोजमेरी शामिल की है, जो प्रोटेक्ट करती है हेयर लॉस के अगेंस्ट। इसके अलावा हम इसमें सबसे लास्ट में शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये ओवरऑल आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करता है, नेचुरल कंडीशनर है। इसके अलावा ये हेल्दी और शाइनी बनाता है आपके बालों को, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, बूस्ट करता है आपकी स्किन की स्कैल्प की सर्कुलेशन को, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मैजिक हेयर ऑयल इतना अच्छा है कि अगर आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आप लोग इसका रिजल्ट जो है वो एक हफ्ते के अंदर देखेंगे, जिसमें आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बालों के अंदर बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, जिसकी वजह से आपके बाल हेल्दी और शाइनी होंगे, और हेयर लॉस का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके बाल लंबे, घने और चमकदार होंगे, और इसके साथ साथ स्याह भी होंगे। बहुत सारे हमारी
आजकल खवातीन और मर्द दोनों का ये बहुत बड़ा मसला है कि उनके बाल जो हैं सफेद होने की तरफ जा रहे होते हैं या कुछ बाल उनके सफेद होते हैं। इसमें हमने दो तेल ऐसे शामिल किए हैं जिससे आपके बाल जो है नेचुरली जो है वो ब्लैक रहते हैं, जिसमें एक आंवला का ऑयल था और एक ऑयल हम लोग यूज कर रहे थे रोजमेरी ऑयल। ये दोनों ऑयल जो है उनको नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं ग्रे होने से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ये ऑयल मैंने बनाकर एक कंटेनर के अंदर सेव कर लिया है और मैं इसे 2 से 3 दिन बाद इस्तेमाल करती हूँ और हेयर वॉश कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।